नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मार्च 2023 एंड हो चुकी है। अब जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए अब एक बड़ी समस्या ये है कि उन्हें इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन डालनी है नेक्स्ट ईयर के लिए, और उसके हिसाब से आपकी टैक्स की कैलकुलेशन होगी और मंथली टैक्स डिडक्ट होगी। आप लोगों में से बहुत भाइयों का टैक्स जो लास्ट क्वार्टर है उसमें ज़्यादा कट गया होगा लास्ट ईयर, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन नहीं दी थी। इस बार भी आपको इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन डालने की अभी नोटिस आ गई होगी या फिर आने वाली होगी। तो आज हम जानेंगे कि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम, जिस पे मैं ऑलरेडी पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, इस दोनों में क्या डिफरेंस होगा बेसिक में बताऊंगा, और कौन सा आपके लिए बेहतर होगा कि आप किस रिजीम में आप अपना टैक्सेशन अप्रूव करवाएं, या एम्प्लॉयर को कौन सा टैक्स रिजीम बताएं और जिसकी वजह से आपको मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट हो। दूसरी बात यह है कि मैं ये भी बताऊंगा कि क्या आप स्विच कर सकते हो न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक छोटी सी बेसिक्स के साथ। ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में बस इतना सा अंतर है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते थे, इनकम टैक्स के द्वारा परमिटेड डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C, 80D, HRA के डिडक्शंस, या फिर 24B हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट, हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल का रिपेमेंट 80C के अंदर आती है। तो ये सारे डिडक्शन आप क्लेम कर सकते थे, और भी बहुत सारे डिडक्शन होते हैं, बट न्यू टैक्स रिजीम में ये डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते थे। डिडक्शन क्लेम नहीं कर रहे हो तो न्यू टैक्स रिजीम में क्या बेनिफिट दिया गया? बेनिफिट दिया गया कि आपको टैक्सेशन जो होगा उसके स्लैब में जो रेट ऑफ टैक्स है वो रेट ऑफ टैक्स कम होगी। ये सारी कंपैरिजन भी हम देखेंगे। जैसे एक कंपैरिजन के लिए आप देखिए, 2.5 लाख तक ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों में कोई भी अंतर नहीं था। मैंने यहाँ पे एक और कंपैरिजन के लिए लिया है 31 मार्च 2023 से पहले वाला, बट अभी हम लेंगे सिंस आपको इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन करना है और जो 31-3-2023 तक के जो रिटर्न फाइल करने वाले हैं उनके लिए भी ये जरूरी होगा। तो जो 31-3-2023 मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए जो टैक्स लगेगी वो इस बीच वाले के हिसाब से लगेगी, और 1-4-2023 के बाद से जिसका आपको इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन देना है उसके लिए आपको जो टैक्स लगेगी वो न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से लगेगी। तो ये जो वीडियो है वो एग्जिस्टिंग जो हमारी फाइनेंशियल ईयर 22-23 है उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा, और 23-24 जिनको इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन डालना है उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो देखिए, यहाँ कंपेरिजन है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या था, 2.5 लाख तक मिलता, 2.5 से लेकर 5 लाख तक 5% था, 5 से लेकर आपको सीधा 10 लाख तक 20% था, और 10 लाख के ऊपर 30% आपको टैक्स पे करना होता था अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम। जो न्यू टैक्स रिजीम जो 31-3-2023 तक के लिए था उसके लिए 2.5 लाख तक वही सेम चीज, ये जीरो था, और इसमें क्या था कि 2.5 लाख से लेके आपको 5 लाख तक 5%, और 5 लाख से आपको 7.5 लाख तक 10% देना था, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको 20% देना पड़ता, और 7.5 लाख से लेकर 15%, और 10 लाख से 12.5 लाख तक 20%, 12.5 से 15 लाख तक 25%, और 15 लाख के ऊपर 30% आपको देना था न्यू टैक्स रिजीम में। तो आप समझ पा रहे होंगे न्यू टैक्स रिजीम में आपको बेनिफिट क्या था। उसके बाद जो अभी फाइनेंस बिल 2023 आया, मतलब पोस्ट बजट जो 1-4-2023 से एप्लीकेबल होगा, मतलब जिसके लिए आप इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन देने वाले हैं, उसमें क्या किया इन्होंने कि 3 लाख तक, 2.5 लाख का लिमिट, 3 लाख तक जीरो टैक्स, 3 से लेके ये बाकी सेम ही रहा है, 3 से लेके 6 लाख तक आपको 5%, जो ऑलरेडी पहले 5% 5 लाख तक ही था, उसके बाद 6 लाख से लेके 9 से 12 लाख 15%, और 12 लाख से लेके 15 लाख तक 20%, और 15 लाख के ऊपर 30% आपको टैक्स देनी है। अब ये प्रॉब्लम आती है कि हम किस रिजीम में जाएं। सबसे पहली बात तो मैं कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस का आंसर दे देता हूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं, अगर आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं है, तो आपको न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब इस साल आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट कर सकते हैं, अगले साल न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर सकते हैं, उसके अगले साल ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते कि आप जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो बिफोर ड्यू डेट है। अब अगर आप नहीं टैक्स रिजीम सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक जो डिफॉल्ट सेलेक्टेड रिटर्न में जो डिफॉल्ट सेलेक्टेड रिजीम आएगा यो
न्यू टैक्स रिज्यूम आएगा। अगर आपको ओल्ड टैक्स रिज्यूम करना है तो ओल्ड टैक्स रिज्यूम पे आपको टिक करना होगा। लेकिन अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले हैं तो आपको स्विच करने का मौका सिर्फ एक ही बार मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि बाय डिफॉल्ट आपका न्यू टैक्स रिज्यूम है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिज्यूम में कंटिन्यू करना चाहते हैं ओल्ड टैक्स रिज्यूम में कंटिन्यू कर लीजिए, लेकिन बाद में कभी आपको ओल्ड टैक्स रिज्यूम से न्यू टैक्स रिज्यूम में आना होगा तो वो चांसेस एक ही है, और उसके लिए आपको एक 10IE फॉर्म आता है वो भर के आपको देना होगा। ये तो बिजनेस प्रोफेशन के लिए, बट मोस्टली क्योंकि अभी जब आप इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन कर रहे होंगे या पिछले बार जब आपने इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन करा होगा तो उसमें आपने ऑप्ट किया होगा से न्यू टैक्स रिज्यूम, बट अब आपको फायदा दिख रहा है ओल्ड टैक्स रिज्यूम में। तो क्या आप ओल्ड टैक्स रिज्यूम इनकम टैक्स फाइल करते वक्त आप सेलेक्ट कर सकते हैं? तो यस कर सकते हैं। एम्प्लॉयर को आप कुछ भी दे सकते हैं और रिटर्न में आप अलग रिज्यूम चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह न्यू टैक्स रिज्यूम में अभी जो पोस्ट 1/4/2023 मतलब 1/4/2023 के बाद जो न्यू टैक्स रिज्यूम है उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अलाउ कर दिया गया सैलरी पे। तो मतलब 50,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था ओल्ड टैक्स रिज्यूम में अब वो न्यू टैक्स रिज्यूम में भी मिलेगा। लेकिन प्लीज मेक श्योर कि 31/3/2023 वाले तक में नहीं मिलेगा। न्यू टैक्स रिज्यूम में और क्या क्या चेंजेज आए थे, क्योंकि इस बार के बजट में जो भी रिलैक्सेशन आया था वो न्यू टैक्स रिज्यूम के हिसाब से आया था, ओल्ड टैक्स रिज्यूम में कोई भी चेंज नहीं किए गए थे। इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब कुछ कुछ डिडक्शन है जो न्यू टैक्स रिज्यूम में भी आप क्लेम कर सकते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ये सारे जो अलाउंसेस हैं। बट ATCCD2 ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऑफ NPS जो 50,000 रुपए तक का जो डिडक्शन मिलता है वो ओल्ड टैक्स रिज्यूम में भी है और न्यू टैक्स रिज्यूम में भी है, तो ये आप एक क्लेम कर सकते हैं। तो अब आपको जब इस साल की रिटर्न फाइल करनी हो 23 की, या फिर आपको 23-24 जो आपकी फाइनेंशियल ईयर है उसकी इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन करनी हो, तो आपको क्या करना है, आपके टोटल डिडक्शंस आपको अपने बना लेने हैं सीट पे कि मेरे टोटल डिडक्शन इतने हैं। से ATC में आपको पता है कि मैक्सिमम 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिलती है, आपने 2 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो 1.5 लाख वो, ATCCD2 में 50,000 की मिलती है वो 50,000, ATD में की डिडक्शन, ATD और भी जो ATD के जो चैप्टर 6 के डिडक्शन है वो आप कैलकुलेट कर लीजिए, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन वो आप क्लेम कर लीजिए। मान लेते हैं कि 2 लाख रुपए इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है, वो सारा चीज आप कैलकुलेट करके एक डिडक्शन कैलकुलेट करके रख लीजिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो भी आप कैलकुलेट कर लीजिए, 50,000 आप ऐड कर दो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो। ये सारे डिडक्शन आप एक जगह कैलकुलेट कर लीजिए। और एक सिंपल सा तरीका है जिसके कहीं नहीं जाना, आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाइए, मैं अभी बता रहा हूं आपको, जो जिनको रिटर्न फाइल करना है FY 22-23 का उनके लिए, फिर 23-24 वाले के लिए, इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन वालों के लिए मैं फिर से बाद में बताऊंगा कि उनका कैसे आगे हम टैक्स कंपैरिजन करेंगे। आपको incometax.gov.in की वेबसाइट पे आनी है, यहां पे देखिए इनकम टैक्स कैलकुलेटर है, यहां जाने के बाद आपको अपनी इनकम और डिडक्शन डालनी है और आपको कंपैरिजन दिख जाएगा। लेकिन अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है तो सिंस आपके पास एक ही बार ऑप्शन है कि आप चेंज कर सकते हो, तो इसीलिए आपको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखते हुए कि आगे अगर आप कुछ और भी कुछ करने वाले हैं, अगर आगे आप हाउसिंग लोन लेने वाले हैं, तो उसको देखते हुए ही अपना टैक्स रिजीम चेंज करें या अपने डिसीजन लें। तो असेसमेंट ईयर 23-24 मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23, इंडिविजुअल रेसिडेंट, मैं यहां पे मानता हूं कि मेरी इनकम 15 लाख है, टोटल डिडक्शन मैं मान लेता हूं कि आप सैलरीड पर्सन है तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी होगा, उसको भी मैं इंक्लूड कर लूंगा। अगर आप सैलरीड पर्सन नहीं है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, तो मैं वो 50,000 इंक्लूड नहीं करूंगा। मैंने पहले ही बताया टोटल डिडक्शन आपको कैलकुलेट करना है। सिर्फ मेरी अगर टोटल डिडक्शन 1 लाख रुपए है तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि न्यू टैक्स रिजीम में आपको इतने का बेनिफिट है। लेकिन अगर आपकी डिडक्शन से 1.5 लाख रुपए से मानते हैं कि आपको ATC की पूरी डिडक्शन है, तो आपको ओल्ड टैक्स न्यू टैक्स रिजीम में इतनी की सेविंग मिलेगी। अगर आपकी 2,50,000 है डिडक्शन, मानते हैं कि 1.5 लाख रुपए आपकी ATC में है और आपकी 1 लाख रुपए किसी और वजह से या इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन किसी और वजह से आपको डिडक्शन मिल रहा है, तो ये आपको टोटल इसमें कोई भी आप ऑप्ट करो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आपको जीरो सेविंग होगी। लेकिन जैसे ही 2,50,000 से आपकी डिडक्शन बढ़ने लगी, से मानते हैं कि आपका 3 लाख रुपए टोटल डिडक्शन है, तो
तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में बेनिफिट मिलेगा। अगर आपका 4 लाख रुपए डिडक्शन है तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में बेनिफिट मिलेगा। ये हो गई 15 लाख पे। मैं इसको अगर ऐसे देखूं कि चलो ठीक है, मेरी इनकम 15 लाख नहीं 11 लाख है, 11 लाख में भी आप देखिए, अगर आपकी डिडक्शन एक लाख है तो आपको न्यू टैक्स रिजीम में बेनिफिट है। अगर डिडक्शन 1.5 लाख है तो भी न्यू टैक्स में बेनिफिट है। अगर डिडक्शन आपके 2 लाख हैं तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में बेनिफिट है। तो आप इस तरीके से ये कैलकुलेट कर सकते हैं और अपना टैक्स रिजीम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो हो गई फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए क्या? तो 23-24 के लिए मैंने आपको एक रेडी रेकनर बनाया हुआ है। आप अगर सैलरी से अदर देन सैलरी अगर इनकम है, अगर ग्रॉस इनकम आपकी ये है और अगर आपकी डिडक्शंस ये हैं तो आपको किस रिजीम में बेनिफिट होगा वो मैंने यहां पे कैलकुलेट किया हुआ है। जैसे अगर आपकी 7.5 लाख तक की इनकम है तो 7.5 लाख तक की इनकम है, अगर आपकी अदर देन सैलरी इनकम है तो आपको पता है कि आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आपके 0 डिडक्शंस हैं तो आपको न्यू वाले में फायदा है, ठीक है। अगर आपके 1 लाख रुपए डिडक्शन है तो भी न्यू में फायदा है, अगर 1.5 लाख डिडक्शन है तो भी न्यू में फायदा है। क्यों? क्योंकि जो रिबेट ओल्ड रिजीम में है वो 5 लाख तक की है जबकि न्यू में 7 लाख तक की है। अब हम 7.5 लाख क्यों बताते हैं? क्योंकि सैलरी में 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है तो 50,000 बढ़ जाती है। अगर आपकी सैलरी इनकम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपकी सैलरी इनकम है तो अगर आपकी देख लीजिए, इसी तरीके से मैंने बना रखा है कि आपकी कितनी इनकम है, कितनी डिडक्शंस है और उस हिसाब से आपके किस आपको कौन से टैक्स रिजिम में ज्यादा फायदा है वो मैंने बना रखा। तीसरा कि अगर 1.5 लाख से कम आपकी डिडक्शन है उसके भी मैंने एक शीट बना रखी है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में प्री बजट मतलब जो 31-23 को फाइल करने वाले हैं उनके लिए कहां बेनिफिट होगा और पोस्ट बजट भी क्या बेनिफिट होगा। जैसे अगर आपकी 8 लाख की इनकम है और आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन मान लेता हूं कि सैलरी है तो 50,000 और अदर डिडक्शन 1.5 लाख है तो आपको 32,500 ओल्ड टैक्स रिजीम में देना है। जो आपको 31-23 को फाइल करनी है उसमें अगर 8 लाख की अगर आपकी सैलरी इनकम भी है तो आपको टोटल जो टैक्स देना पड़ेगा वो 45,000 रुपये देना पड़ेगा, बट 1/4/2023 के बाद यही टैक्स आपकी 30,000 रुपये हो जाएगी। तो ये पूरी की पूरी पीडीएफ मैंने बना रखी है, किसी को चाहिए होगा तो आप ले सकते हैं। आपकी जो डिडक्शंस है वो ऑलमोस्ट 3.5 लाख के आसपास की है, 3,50,000 या उससे ज़्यादा है, से मान लेते हैं कि 4 लाख के आसपास की है, तो आपकी कोई भी सैलरी रहे मतलब 16 लाख के ऊपर जो भी सैलरी होगी मोस्ट प्रोबेबली ओल्ड टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बट आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए चलिए अभी तो हर कुछ फ्री है, आप ये क्लियर टैक्स की वेबसाइट पे आके मैंने 80 लाख रुपए की सैलरी दिखा दी, 2 लाख रुपए इंटरेस्ट में, 1.5 लाख रुपए ATC और 50,000 ATCCD से मानते 80D में भी 10,000 की डिडक्शन है, तो टोटल डिडक्शन मेरी हो गई 2,2,4,4,10,000। तो मुझे ओल्ड टैक्स रिजीम में बेनिफिट मिलेगा। ओल्ड टैक्स रिजीम में मुझे 23,73,000 देने हैं जबकि न्यू टैक्स रिजीम में 23,85,000 देने हैं। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि ये पूरी की पूरी वीडियो आपको समझ में आई है। तो मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।